बस कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। और अनाया अपना पेपर देकर आई है, मंथली टेस्ट हो रहा है इनके, तो छुट्टी जल्दी हो गई है। तो अब मेरी बेटी को लग रही थी भूख, नाश्ता हम कर चुके हैं और मैंने साबुत माश बनाए थे जो कि अनाया को पसंद नहीं है, तो कहती मामा मैंने ना भरी हुई मिर्चें खानी है। तो अब मैंने तो कहा इसको खुद बना दे, क्योंकि मैंने अभी मशीन लगाई थी और कपड़े चेंज करके, कीले कपड़े चेंज करके, और मैं कंबल में बैठी बैठी थी कि अनाया आ गई। तो अब अनाया बना रही है भरी हुई मिर्चें, जो कि मैं इसको बताती भी जा रही हूँ और साथ साथ वीडियो भी शूट करेंगे। तो मिर्चें हमने ली हैं ग्रीन जो होती हैं ये वाली, तो इसके बस बीच में से हाफ़ करो अनाया, इसको किया हुआ है बस, ठीक है। बीच में से इस तरीके से कट लगा लिया है। अब ये बेसन थोड़ा सा मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, इसमें हम सिर्फ नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी जो है ना वो शामिल करके इसका पतला सा बैटर बना लेंगे। बैटर जो है वो ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मिर्च को जो पकड़ेगा नहीं। तो अब इसमें चीज़ें मिक्स करके फिर मैं बताती हूँ आपको आगे हम क्या करने वाले हैं। मसाले हम मिक्स कर चुके हैं और बेसन में डाला है हमने नमक और एक चुटकी डाली है इसमें अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है, ये आपकी अपनी चॉइस पर है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू नहीं है। और हमने डाल रही है सूख मिर्च, ये भी थोड़ी सी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिर्चें जो है आपको पता है ऑलरेडी खुद ही बहुत स्पाइसी होती हैं, इसलिए हम इसमें स्पाइस जो है कम ही यूज़ करेंगे। तो बैटर कर लिया है हमने रेडी, और ये देखें इतनी आपने इसकी जो है कंसिस्टेंसी रखनी है कि ना ज़्यादा पतला हो कि मिर्च को पकड़ ना सके, उसको कवर ना कर सके, और ना इतना गाढ़ा हो कि जो है वो मिर्च के ऊपर लगे ही ना और उतर जाए इसी तरीके से। तो अच्छे तरीके से हमने इसको इस तरीके से बना लिया, इसको फेंट लेंगे। मैंने इसमें एक चुटकी जो है वो मीठा सोडा डाला है, अगर आप के पास हो घर में तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं। और गैस हमारी बिल्कुल काम आ रही है, इसको चूल्हे को बंद कर देते हैं कहीं मैं भूल ही ना जाऊँ। और सिलेंडर पर हमने रख लिया फ्राई पैन, और अब अनाया डालेगी इसमें घी। चलो अनाया डालो जल्दी। अब इसमें डालेंगे हम घी, और घी को गरम करेंगे और फिर मिर्च को बेसन के बैटर में कोट करके तो इसमें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से मिर्च को पकड़ेंगे और इस तरीके से अच्छे तरीके से कोट करके और यहाँ इस तरीके से छोड़ते जाएंगे ऑयल में, और अगली वाली को करेंगे इसमें, क्योंकि अनाया मुझे छोड़ के भाग चुकी है। ये इसी तरीके से करती है काम में, मेरे साथ लग जाती है, और स्टार्टिंग के बाद जब काम शुरू हो जाता है तो फिर भाग जाती है। अब मोबाइल भी मेरे हाथ में और मिर्च भी मेरे हाथ में, कितना जुल्म है मेरे साथ। नया चले जी, ये सारी हो गई, बस एक रह गई, इसको भी कर लेते हैं। और ये ना खाने में बड़ी मज़े की लगती है, क्रिस्पी क्रिस्पी गरम गरम पराठों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए एक तरफ से जो है वो फ्राई हो चुकी है अच्छे तरीके से, मैंने पलट दी है इसको, अब दूसरी तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसमें कट लगाने का जो मकसद था वो ये होता है कि जो मिर्च है ना जब वो गर्म होती है ऑयल में जाती है तो वो फट जाती है, उससे ख़तरा होता है कि मुँह के ऊपर ना पड़ जाए या आँख में ऑयल ना पड़ जाए या मिर्च ना पड़ जाए, तो हमने बीच में कट लगा लिया, अब ये फटेगी नहीं और आराम से फ्राई हो जाएगी, और दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाती है। तो बस हमारी जो मिर्ची हैं वो रेडी हैं, आप दाल के साथ इसको खा सकते हैं, आप पराठे के साथ खा सकते हैं, आप चावलों के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है, आप ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा इसको। लीजिए हमारी जो मिर्ची हैं वो रेडी हो चुकी हैं, और माशाल्लाह देखें उनकी लुक कितनी प्यारी आ रही है, और इतना क्रिस्पी जो है ना इसका ये बना है, ऊपर से क्रंच क्रंच टाइप का, बहुत मज़े का। तो इसको खा के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाएं इसको और ट्राई कीजिए इसको। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनकी मैं दिल से मशहूर हूँ। तो अपनी मोहब्बतों का, अपनी चाहतों का जो है थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।